दूसरी जानब डेरा गाजी खान में हल्का पीपी 292 में जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पीटीए के उम्मीदवार सरदार मकसूद लगारी ने पोलिंग स्टेशन नंबर 63 पर अपना वोट कास्ट कर दिया। ये मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। सरदार मकसूद खान लगारी ने पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट कर दिया है। इसी पर बात करेंगे आशिर अशफाक से। आशिर बताइएगा। आज बिल्कुल डेरा गाजी खान में हल्का पीपी 292 में जिमनी इंतखाबात का अमल जारी है। पोलिंग का सिलसिला जो है जारी है, कुछ ही टाइम बाकी रहता है पोलिंग के अमल से। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पीपी 292 के सरदार मकसूद खान लगारी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 63 के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। इस मौके पर सरदार मकसूद खान का कहना था कि इस बार भी वो जो है भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे। पिछली मरतबा भी जनरल इलेक्शन के अंदर मोहम्मद खान लगारी ने जो है भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की थी। उनका कहना था कि जिमनी इंतखाबात के अंदर जो वोटर हैं उनका टर्न आउट जो है कम निकलता है, मगर उनकी जानिब से कोशिश की जा है कि वोटरों को उनके घरों से निकाला जाए और वोट जो है कास्ट करवाया जाए। ये हर किसी का हक है, हर बंदे को अपना हक जो है इस्तेमाल करना चाहिए, अपना मुंतखब नुमाइंदा जो है सिलेक्ट करना चाहिए। इस मौके पर उनका कहना था कि वो पुर उम्मीद है कि उनकी जीत जो है बरकरार है। जी जीत के लिए पुर उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।